डोंट वाई रियलमी C33। हाँ जी दोस्तों, रियलमी ने इंडिया मार्केट में अपने न्यू बजट फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रियलमी C33 में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इस फ़ोन में आपको कुछ ऐसी कमी देखने को मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी नहीं देता है, टेक्नो भी नहीं। तो अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों आपको ये दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 3 32 और 4 64। जो 4 64 का प्राइस है वो है 10,000 रुपये, और इसमें आपको जो भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन करा दी है। स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों चलते सीधे पॉइंट पर, जानते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहली कमी की बात करते हैं वो निकल के आ रही है इसकी सेल्फी में। दोस्तों इसमें आपको ओनली 5 मेगा का सेल्फी देखने को मिलता है, जबकि हमसे 10,000 रुपये लिया जा रहा है। रियलमी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि रियलमी अपने फ़ोन में 5 मेगा का सेल्फी कैमरा लगा के देगा, क्योंकि ये तो बजट फ़ोन है, इसमें से तो सेल्फी कैमरा ही निकाल लेना था भाई। 5 मेगापिक्सल कोई सेंस नहीं बनता, 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस फ़ोन में होना चाहिए था, नाम की सेल्फी कैप्चर कर पाओगे। दोस्तों सेल्फी तो एकदम बेकार है इसका। दोस्तों नेक्स्ट कमी की बात करते हैं वो निकल के यार इसके पोर्ट में। दोस्तों आपको इसमें माइक्रो पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 10,000 में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों आपको इसमें कोई भी टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। रियलमी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप अपने बजट रेंज के फ़ोन में भी इतना कंप्रोमाइज़ करो कि प्राइस 10,000 और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे। तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट कमी की बात करते हैं वो निकल के आ रही है इसके चार्जिंग में। दोस्तों आपको इसमें 10 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है और 5000 mAh का बैटरी, जो कि 10,000 में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों 10,000 की प्राइस में आपको 18 वॉट चार्जर देखने को मिलता है, तब काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों इस फ़ोन का जो बैटरी है वो 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज होगा। तो दोस्तों 10 वॉट का कोई भी सेंस नहीं बनता। दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस 10,000 है, 10,000 में ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये डाउनग्रेड हैं। दोस्तों ऐसे फीचर तो टेक्नो भी अपने फ़ोन में नहीं डालता। रियलमी अपने बजट में फ़ोन को लॉन्च किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दो और कुछ भी निकाल लो। तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में कवर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फ़ोन में कवर ना मिलना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। दोस्तों इसका प्रोसेसर नो डाउट ठीक है, पर दोस्तों 10,000 की प्राइस में ये प्रोसेसर जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों आपको इस फ़ोन में इसमें आपको यूनिसॉप का T612 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और जनरली टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसी कंपनी भी अब मीडियाटेक के अच्छे अच्छे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन में, पर दोस्तों इस फ़ोन में आपको यूनिसॉप का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों इस बजट इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई करता है, पर दोस्तों हमें अगर मीडियाटेक का G88 मिल जाता वो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा रहता। और वहीं दोस्तों आपको इसमें HD+ स्क्रीन देखने को मिलती है, पर दोस्तों मुझे HD+ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बजट रेंज में आपको HD+ स्क्रीन मिल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्तों HD बजट रेंज में आपको HD+ स्क्रीन ही प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इससे अच्छा आप इन्फिनिक्स का फ़ोन ले सकते हो। इन्फिनिक्स में हॉट सीरीज में या नॉर्थ सीरीज में आपको 10-11 हज़ार की रेंज में अच्छा फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा और बेटर चार्जर और बेटर प्रोसेसर और बेस्ट कैमरा और अच्छी डिज़ाइन के साथ। तो दोस्तों आप रियलमी C35 के साथ मत जाएं, क्योंकि दोस्तों क्योंकि बजट के नाम पर हमारा काटा जा रहा है। दोस्तों सब कुछ निकाल लिया, 5 का सेल्फी डाल दिया, टाइप सी पोर्ट गायब कर दिया, 10 वॉट का चार्जर डाल दिया, कवर निकाल लिया। तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।